जय जय श्री राधे मित्रों, मैं पंडित आशीष शर्मा मेरे इस ज्योतिष के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, आनंदपूर्वक होंगे। मित्रों, आज जो जानकारी आपके सामने मैं लाया हूँ वह सभी के लिए ज़रूरी है। हर व्यक्ति अपने जीवन में चाहता है कि वह धनवान बने, उसको कभी भी पैसों की, धन की कभी भी समस्या ना आए, हर दिन उसका सुखमय हो। तो आपकी सभी अभिलाषाएं आज का यह अद्भुत उपाय पूर्ण कर देगा। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों के साथ आज की इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। तो मित्रों, शुरू करते हैं आज का वह अद्भुत उपाय। आपकी कुंडली में शुक्र राहु के साथ बैठा है। शुक्र किसी पापी ग्रह के साथ बैठ करके खराब हो रखा है, जिसके कारण आपके पास धन टिकता नहीं है या कहीं से आता नहीं है या आकर के चला जाता है। तो शुक्र आपकी कुंडली में किसी भी स्थिति में हो, किसी भी प्रॉब्लम में हो, समस्या में हो, तो उसको कैसे हम अच्छा कर सकते हैं, यही बताने के लिए आज की यह वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ। तो मित्रों, सबसे पहले शुक्र को अच्छा करने के लिए आज का यह उपाय रामबाण उपाय है, इसको ज़रूर करें। केवल थोड़ी सामग्री हमको इसमें चाहिए जो आप घर बैठ करके इसका इंतजाम कर सकते हैं। आपको यह उपाय किसी भी फ्राइडे यानी शुक्रवार से शुरू करना है और थोड़े से पताशे आपने शुक्रवार के दिन या उससे एक दिन पहले आप बाज़ार से ख़रीद करके ला सकते हैं। लगभग 10 रुपये के या 15 रुपये के पताशे आप लेकर के आ जाएं और 11 दिन तक आपको यह उपाय करना है, बिना किसी एब्सेंट, बिना किसी नागा के। आपको शुक्रवार के दिन थोड़ा सा दूध लेना है किसी गिलास में, हो सके तो कांच का गिलास हो, उपलब्ध नहीं हो कांच का गिलास तो स्टील या कोई भी गिलास आप ले सकते हैं। तो आपको थोड़ा सा दूध, जितना आप पी सकते हैं इतना दूध लेना है। उसमें बाज़ार से लाया हुआ जो पताशा है आपने उसमें डिप कर देना है। डिप करने के बाद आपको एक मंत्र बोलना है 11 बार। इस मंत्र को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिख कर बता दूंगा और यहाँ पर भी बता रहा हूँ। ओम शोम शुक्राय नमः, इस मंत्र को 11 बार उच्चारण करें, बोलें और उसके बाद उस पताशे को अच्छी तरह घोल करके उस दूध को आपने पी लेना है। इसी प्रकार अगला दिन सेम प्रक्रिया वैसे ही करना है, दूध लेना है, दूध में पताशा डालना है और 11 बार मंत्र बोलना है ओम शोम शुक्राय नमः, और उसके बाद अच्छी तरह उसको पताशे को घोल करके आपने उस दूध को पी लेना है। यह जो कार्य है आपको कंटिन्यू 11 दिन तक बिना किसी एब्सेंट के, बिना किसी नागा के आपको करना है। और 11 बार मंत्र बोलना बहुत ज़रूरी है, ये नहीं कि आप पताशा डालें और दूध को पी जाएं। जब तक आप उस दूध को शुक्र के मंत्र से अभिमंत्रित नहीं करोगे तब तक वह कार्य नहीं करेगा। तो शुक्र का मंत्र बोलना बहुत ज़रूरी है। अगर ओम शुम शुक्राय नहीं बोल पाओगे तो ओम शुक्राय नमः इतना कह दें 11 बार। अब जैसे ही आपके 11 दिन पूरे होते हैं इसको बंद कर दें। अब जो बीच में 2 शुक्रवार आते हैं, लगभग 2 शुक्रवार आएंगे, तो 2 शुक्रवार आपने क्या करना है, घर का काम तो करते रहना है जो आपने दूध में पताशा डाल के पीना है। उसके अलावा उस शुक्रवार के दिन जिस दिन स्टार्टिंग करोगे, पहला शुक्रवार और दूसरा शुक्रवार, आपको 250 ग्राम पताशे किसी भी शिव मंदिर में जा कर के रख कर के आने हैं और प्रार्थना करनी है कि मेरा जो शुक्र ग्रह है, हे शुक्रदेव, आप मेरी कुंडली में मजबूत हों और मुझे धन ऐश्वर्य प्रदान करें, हर प्रकार की खुशियाँ प्रदान करें। इतना कह करके आपने अपनी प्रार्थना भोलेनाथ मंदिर में जाकर के शुक्रदेव की, अपने शुक्रदेव के लिए आपको यह बोलना है ताकि आपका इससे शुक्र मजबूत हो जाए। यदि आप यह कार्य करते हैं
11 दिनों के बीच में ही दो शुक्रवार आएंगे, 11 दिन ही आपने यह कार्य करना है, दूध में पताशा डाल के पीना है। और जिस दिन आप शुरू करोगे, पहले शुक्रवार और दूसरे शुक्रवार को आपको 250 ग्राम पताशे मंदिर में चढ़ा करके आने हैं और प्रार्थना करके आनी है। मित्रों यकीन मानिए, यदि 11 दिन आपने यह कार्य कर लिया और 2 दिन भोलेनाथ के मंदिर में जा करके आपने पताशे चढ़ा दिए, तो आपके शुक्र को मजबूत होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक पाएगी। आपको कहीं से भी धन आएगा, कैसे भी आएगा, वो परमात्मा अपने आप देखेगा कैसे करना है। आपको केवल जो कार्य बताया है, केवल उस कार्य को पूर्ण करना है, उसमें कोई समस्या उत्पन्न ना हो, इस चीज़ को आपने ध्यान देना है, इस चीज़ को देखना है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की यह शुक्र की जानकारी, शुक्र को तेज करने की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अपने मित्रों से इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और आगे शेयर करें। इसी के साथ आज की इस जानकारी को, इस वीडियो को यहीं भी विराम देता हूं। नमो नारायण, जय जय श्री राधे।